सावधान हो जाओ भारत के दुश्मनों, क्योंकि आ रहा है भारत का ड्रोन प्लान, वो प्लान जिसके जरिए भारत दुनिया को दिखाएगा अपना दम, वो ड्रोन प्लान जिससे छूट जाएंगे भारत के दुश्मनों के पसीने। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ड्रोन प्रदर्शनी को भी देखा और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे लोगों से मुलाकात भी की। कि जिन जिन स्टॉल पे गया तो बड़े गर्व से कहता था, साहब ये मेक इन इंडिया है, ये सब हमने बनाया है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ ये मान लिया गया था कि तकनीक सिर्फ अमीरों की है। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहाँ मान लिया गया टेक्नोलॉजी अनेक बड़े रहीस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने तकनीक को गरीब विरोधी बताया था, अब यही तकनीक उन्हें उनका हक दिला रही है। 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। किसी ने इक्के दुक्के व्यक्ति ने अपनी रुचि के अनुसार कर लिया तो कर लिया, व्यवस्था का स्वभाव नहीं बना। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है, और जो एस्पिरेशंस के जज्बे से भरे हुए लोग थे उनको निराशा की गर्त में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस दौरान पीएम मोदी को अपना बचपन भी याद आ गया, जब अनाज और केरोसिन के लिए लाइन में लगना पड़ता था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने बचपन में राशन की दुकान पर अनाज के लिए, केरोसिन के लिए, चीनी के लिए लाइन लगाई होगी, लेकिन एक समय ऐसा था कि घंटों इसी काम में लाइन में लगे हुए गुजर जाते थे। और मुझे तो अपना बचपन याद है कि हमेशा एक डर रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नंबर आने तक अनाज खत्म हो जाएगा, दुकान बंद होने का समय तो नहीं हो जाएगा। ये डर 7-8 साल पहले हर गरीब के जीवन में रहा ही रहा होगा, लेकिन मुझे संतोष है कि आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस डर को समाप्त कर दिया है। अब लोगों में एक भरोसा है कि जो उनके हक का है वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। दिल्ली में आयोजित इस ड्रोन महोत्सव में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप से जुड़े 1600 से अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं। 70 से अधिक एग्जीबिटर्स प्रदर्शनी में ड्रोन के कई इस्तेमालों के संबंध में जानकारी देंगे। इस महोत्सव में डिजिटल माध्यम से ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी बांटे जाएंगे। उत्पादों का उद्घाटन होगा, पैनल चर्चाएं होंगी, परिचालन दिखाए जाएंगे और मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी का मॉडल भी दिखेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।